बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, उम्मीद है कि तमाम हजरात, तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे तमाम अहबाब को जहाँ भी हों खैर व आफियत से रखे। देखिए, आज के दौर में शुगर एक मुहलिक मर्ज बन चुका है और ये एक आम हवा की तरह फैल रहा है, बहुत तेजी से इंसानी जिस्म में सरायत कर रहा है। और ये सिर्फ इंसान की दिमागी कमजोरी नहीं, आसाबी कमजोरी नहीं, पूरे शरीर को खोखला कर रहा है। ये दीमक की तरह, जिस तरह लकड़ी में घुन लग जाता है और वो उसको खाती चली जाती है, खोखला कर रहा है। और खासकर इस बीमारी से इंसान की इज्दिवाजी जिंदगी बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही है। इंसान मायूसी का शिकार हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में है। अगर इधर हम इंसुलिन लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो हमारे गुर्दों की खराबी का, हमारे पिंकी रियाज में परेशानी का बाइस बन जाती हैं, हमारे गुर्दे खराब होने का खतरा होता है। बहुत ज्यादा दवाइयां इस्तेमाल करने पर हमारी और दीगर नशोनुमा खराब हो रही है। तो ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? मेरे अजीजों, ये नुस्खा मुझे बहुत ज्यादा बाअसर महसूस हुआ, इसलिए मैं हाजिर खिदमत आपके सामने हुआ हूं। मैंने चाहा कि ये एक आम इलाज है लेकिन हमें मालूम नहीं है, मैंने चाहा कि यह आम हो जाए, मेरे अजीज दोस्तों तक पहुंच जाए और बहुत बड़े नुकसान से, बहुत बड़े खतरे से बच जाए। तो ये नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर है। ये थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन शायद जिंदगी का पहला नुस्खा आपका होगा कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके अलावा मजीद जरूरत महसूस नहीं करेंगे, और इसको मुकम्मल होने के बाद फिर आप इस नुस्खे को इंशाल्लाह दूसरों तक भी शेयर करेंगे। देखिए, चंद चीजें हैं जो हमें हासिल करनी है। इस तरह तो हमें हासिल करना मुश्किल है, ये हमें पंसारी से मिलेंगी। सबसे पहले हमें मछली का कांटा लेना है। कौन सी मछली? ये गौर से सुन लें, कभी मछली का ही कांटा लें, सिर्फ मछली का कांटा, लेकिन काली मछली, रोहू मछली, काला रहू, इसका कांटा लेना है। कितना? 50 ग्राम। मछली काला रहू 50 ग्राम, इसका कांटा लेना है। और बुरादा, दंदाने फील, हाथी के दांत का बुरादा लेना है। यह हाथी के दांत ही मिल जाएंगे, ये सब पंसारी के मिलेगा। इसी तरह बारह सिंगा, इसका भी बुरादा लेना है, 50-50 ग्राम। तीनों हो गए, तीनों 50-50 ग्राम हो गए। इसके बाद चौथे नंबर का नुस्खा हमें लेना है, अकर करहा 50 ग्राम, अकर करहा 50 ग्राम। इसी तरह हमें लेना है अजराकी मुदब्बर, ये भी 50 ग्राम लेना है। जूज मासिल 25 ग्राम, और बाकी चीजें 50 ग्राम, जूज मासिल 25 ग्राम। बरगद का दूध ये 75 ग्राम लेना है, सबसे ज्यादा बरगद का दूध, और बरगद के ताल्लुक से बहुत सारी वीडियो में बना चुका हूं। बरगद का दूध 75 ग्राम लेना है। तरकीब बनाने की बड़ी आसान है। सबसे पहले जो तीन चीजें बताई मैंने, मछली का कांटा और हाथी के दांत, बारह सिंगा के सींग, ये हमें तीनों 50-50 ग्राम लेकर हमें रेती से इनको बारीक करके और कूट छान के सुफूफ बना लेना है, बारीक सुफूफ बना लेना है। उसके बाद हम इन और बाकी चीजों में इस सुफूफ को मिक्स कर लेंगे। बरगद का दूध अलहदा रखेंगे और ये तमाम चीजें हम बराबर मिक्स कर लेंगे, बराबर पीस लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम बरगद का दूध 75 ग्राम उसमें शामिल करेंगे, उसमें शामिल करके अब उसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, खरल कर लेंगे, अच्छी तरह घोट लेंगे, चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमने मिक्स कर लिया, उसके बाद काली मिर्च के बराबर,
काली मिर्च छोटी वाली, ज्यादा बड़ी गोली नहीं बनानी, काली मिर्च छोटी वाली, काली मिर्च के बराबर गोलियां बनाएंगे। और इसकी ताकत और कुव्वत और तासीर इतनी ज्यादा है कि हमें एक दिन छोड़कर एक दिन लेनी है, सिर्फ असर के बाद लगभग 5 बजे 4:30 बजे असर के वक्त लेंगे, सूरज छिपने से 1-1.5 घंटा पहले ले लेंगे। हम सिर्फ एक गोली खाएंगे, एक गोली ताजा पानी से ले लेंगे। इसका असर इतना ज्यादा है कि खाने के फौरन बाद से महसूस होना शुरू होगा, और इतनी तेज असर ये दवाई है कि आपको दूसरे दिन नहीं लेनी, एक दिन छोड़कर आप लेंगे। ये सिर्फ शुगर के ही लिए नहीं है, इसके अंदर और जो बाकी चीजें हैं वो आसाबी ताकत को बढ़ावा देने के लिए है, कुव्वत बाह में इजाफे के लिए है। ये नुस्खा मैंने इसलिए तलाश किया है, ये मेरा नुस्खा नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, मेरा नुस्खा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं इसलिए कि ये मुझे अच्छा लगा, मैंने यूज कराया, इस्तेमाल कराया, दूसरे हजरात को उन्होंने इसका रिजल्ट बतलाया तो मैं आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं। ये नुस्खा बहुत जबरदस्त है दोनों चीजों के लिए, शुगर का भी सफाया है और कुव्वत बाह में इजाफा होगा इंशाल्लाह। जो आपकी जिंदगी में मायूसियां छाई थी, शर्मिंदगियां आई थी, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि मेरे उन अजीज भाइयों के लिए जो इस नुस्खे से नफा उठाएं, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए।